हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 12 का मैथ का फर्स्ट हाफ का है। तो इसे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के पर्सनालिटी सर्वल 0.4 ये 4.5 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया गया था। तो आज के इस वीडियो में उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। 12 आपका है, कह रहा है यदि ए इक्वल टू 3725, बी इक्वल टू 6879, तो दर्शाइए ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स दर्शाना है, उसका सॉल्यूशन करना है कि आप निकाला जाए। योर आवर 3725, बी आवर 6879, ये भी निकाला जाए। तो क्या करेंगे, दोनों का कॉलम में गुणा करेंगे, संगत का 3 6 18 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। पहले रो का पहले कॉलम में, फिर से पहले रो का दूसरे कॉलम में 8 3 24 हो जाएगा, 7 9 63। पहले रो का पहले कॉलम में, पहले रो का दूसरे कॉलम में और दूसरे रो का पहले कॉलम में 2 6 12 और 7 5 35, फिर से दूसरे में 2 8 16, 5 9 45, 9 8 17, 4 5 1 6 67, 4 3 7, 6 2 8 87, 5 2 7, 3 1 4 47, 6 5 1 11, 4 1 5 1 6 61। फिर भी कमान हुआ और इसका निरपेक्ष मान निकाला जाए, 67 गुणे 61 माइनस 47 गुणे 87। बेबी का निरपेक्ष मान 67 गुणे आपका 67 गुणे 61 गुणा करेंगे 4087 होगा, इसका गुणा करेंगे 4089 होगा। ए बी का निरपेक्ष मान इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, यानी ए बी का इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ज्ञात करना संभव है। ए बी इनवर्स आपका संभव है, ये अगर 0 रहता तो संभव नहीं होता। अब एडजॉइंट ए निकालें, एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये यहाँ ट्रांसफर होगा 61, यह यहाँ पाएगा, यह यहाँ जाएगा 47, यह यहाँ पाएगा 87, यह यहाँ पर जाएगा तो यह यहाँ पाएगा 67 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए डी जी ए ज्वाइंट ए बराबर, ए बी बराबर रो का कॉलम में ए माइनस होगा, ए माइनस और ए प्लस प्लस, रो का कॉलम में 61 माइनस 47 आप माइनस 87 और 67। अब ए बी इनवर्स निकालेंगे, ए बी इनवर्स का जॉइंट ए बाय
निरपेक्ष मान ऑफ ए बी या ए बी इनवर्स इक्वल हो जाएगा डेरिव माइनस वन बाई टू यहाँ पर 61 माइनस 87 47 67। ए बी का इनवर्स ये निकला इतना आया, ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड एक में देखा जाए पहले निकाला जाए यहाँ पर बी बराबर दिया है 6 8 7 9 निरपेक्ष मान और बी बराबर हो जाएगा 9 54 माइनस 9 56 और माइनस 8 56 बी बराबर हो जाएगा माइनस 2 यानी बी नंबर संभव है, इसलिए निकालेंगे ए डी जे ए वाई टी शाखंड अभी बी बराबर का जाएगा देखिएगा या यहाँ जाएगा 9 या यहाँ पर या यहाँ पर 7 या यहाँ पर 8 या यहाँ पर 6 ए ये आपका सम यानी वन वन है तो सम धनात्मक होगा, ए वन टू है तो विषम ऋणात्मक होगा, ए टू वन है विषम तो ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा। अब आइए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डी जी ए ज्वाइंट बी बराबर अवलोक कॉलम में 9 -7 -8 और 6 और बी इनवर्स बराबर तो आ जाएगा ए डी जी ए ज्वाइंट बी बटे मापान बी या बी इनवर्स बराबर -1/2 9 -7 -8 और 6। अब ए जा ए बराबर आपका दिया 3 7 2 5 हम निरपेक्ष मान आप ये निकाला 5 3 15 14 निरपेक्ष मान आप ए बराबर हो जाएगा 1 ए इनवर्स संभव है। इसलिए ए डी जे ए ज्वाइंट ए बराबर का आ जाएगा देखिए ए यह यहाँ पर आएगा 5 यह यहाँ पर आएगा 2 यह यहाँ पर आएगा 7 यह यहाँ पर आएगा 3 माइनस ए माइनस का परिवर्तक का भी हो ए ज्वाइंट ए बराबर 5 -2 और -7 और 3 ए इनवर्स बराबर ए डी जी ए ज्वाइंट ए बाई मापांक ए 5 -7 -2 और 3 और निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स, इसलिए बी इनवर्स ए इनवर्स बाई बी इनवर्स का मान -1/2 कितना आपका 9 -8 -7 6 ए इनवर्स 5 -7 -2 और 3 और इसका गुणा होगा -1/2
नौ पच्चीस पैंतालीस अधन आठ गुना सोलह, इसका 9 7 63 9 7 63 और 8 3 24। सात पचास पैंतीस, देखिएगा सॉरी 9 7 63 9 7 63 और 8 3 24, 7 5 35, 6 2 12, 18 7 49, 10 11, 6 3 18, माइनस 1 2 या हो जाएगा 61, या हो जाएगा 87, या हो जाएगा 47 और यह हो जाएगा 67। तो यहाँ देखिए ए बी इनवर्स बराबर माइनस 1/2, 61 87 माइनस में 47 माइनस में 67 माइनस में यह और यह दोनों इक्वल हैं, इसे लिख सकते हैं कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। और देखिए ऐसे निकलना है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसके बाद आपका 13 है, ए बराबर 3 1 माइनस 1 2। तो क्वारा दर्शाइए प्रूफ दैट ए स्क्वायर माइनस 5 ए धन 7 i बराबर 0 होगा, और ए इनवर्स भी फाइंड कीजिए। दोनों इतना सिद्ध करना है, ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। अब इसको साफ किया जाए, साफ करेंगे तो यहाँ इसका निकाला जाए ए इंटू ए स्क्वायर, इसका 3 हो जाएगा 1 माइनस 1 और 2, 3 1 माइनस 1 2, इसका 3 1 माइनस 1 2। रो का कॉलम गुणा करेंगे, 3 3 9 और माइनस 1, इसका इसमें 3 अधन 2, अब इसका इसमें माइनस 3 माइनस 2, और इसका इसमें माइनस 1 अधन 2 4, यह हो जाएगा 9 में से 8 5 माइनस 5 और 3, यही होगा। अब इसको निकाला जाए, 9 लगेगा ए स्क्वायर माइनस 5 ए धन 7 i, ए स्क्वायर मान 8 5 माइनस 5 और 3 माइनस 5 i ए, तो 5 का गुणा कर दे, 5 3 15 और 5 माइनस 5 और 15 10 धन 7 i, आई का मान 1 0 0 1, तो 7 के गुणा करेंगे 7 हो जाएगा,
अब जोड़िए 8, संगत का संगत में 8 माइनस 15 धन 7, और 5 और देखिएगा ये माइनस है, -5 धन 0, यह हो गया -5 धन हो जाएगा 5, देखिए -5 धन 5 धन 0, 3 माइनस 10 धन 7, 8 7 15 माइनस 15 5 माइनस 5 माइनस 5 धन 5, 7 3 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। अब पूरा मान का जाएगा 0, एक मान फाइंड हो गया। ठीक है, और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक दिया है, ए बराबर 3 1 माइनस 1 2, निरपेक्ष मान निकाला जाए 3 6, अब माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस हो जाएगा 7। ए इनवर्स संभव है। अब इसे ज्वाइंट निकालना है, ज्वाइंट ए बराबर तो क्या हो जाएगा, यह यहाँ पे आएगा 2, ये यहाँ पे आएगा -1, या यहाँ पे आएगा 1, या यहाँ पे आएगा 3। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब बराबर है रो का कॉलम में चेंज कर, 2 1 माइनस 1 3, और निकालेंगे ए इनवर्स इक्वल ए ज्वाइंट ए डी ए ज्वाइंट ए बाई निरपेक्ष मान ऑफ ए, आपका 1/7 आ जाएगा, आएगा 2 माइनस 1 1 और 3। ए इनवर्स का जो मान होगा यह हो जाएगा, और यह आपका जो सिद्ध करने वाला है यह होगा। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 15 सेम ऐसे ही है, इसको आप कीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का पूछा जाता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।